रेशनल नंबर किसे कहते हैं? व्हाट इज अ रेशनल नंबर? अ रेशनल नंबर इज अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब ये है कि ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स होगा, और शर्त ये है कि पी यानी ऊपर जो नंबर होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, यानी 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 0 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो नीचे Q है, Q पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकता है। मीन्स नीचे वाला जो नंबर जिसको हम लोग फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर के नाम से जानते थे, वो ज़ीरो नहीं हो सकता है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे -5/6, ये भी आपका रेशनल नंबर है। 3/-4, ये भी रेशनल नंबर है। -1/-8, ये भी रेशनल नंबर है। -7 रेशनल नंबर है। 0 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 0/1, 0/2, 0/5, 0/-7, कुछ भी, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा। दैट मीन्स कि 0 भी रेशनल नंबर है। उसके साथ साथ 2 भी रेशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि हम लोग इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं 2 को, तो इसलिए ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। इन सभी एग्जाम्पल से पता चलता है कि सारा नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होगा, सारा होल नंबर रेशनल नंबर होगा, सारा इंटीजर्स रेशनल नंबर होगा, सारा फ्रैक्शन आपका रेशनल नंबर होगा। क्लास 10 में रेशनल नंबर के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इस टॉपिक में अभी के लिए इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।